नाम मतदान मत। तो दोस्तों कैसे हो सभी लोग, मैं हूँ राकेश और मैं आज हूँ फिलहाल चंडीगढ़ में और जा रहे हैं धर्मशाला। और धर्मशाला काफ़ी दिन के बाद मशक्कत करने के बाद ये टूर फाइनल हुआ है। काफ़ी दिन के बाद, एक साल डेढ़ साल तो हमें कोविड में हो चुका है, कोविड को झेलते झेलते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अभी फ़िलहाल है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से सीधा धर्मशाला की तरफ रवाना होंगे। और आज का दिन है बहुत ही बेटर, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। मैं यही सोच रहा था कि राशन खत्म करेगा। ये देखो ये आम और ये रखे लीची। मैं हूँ अभी फिलहाल धर्मशाला में और यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है। पीछे दो देख रहे हो आप स्टेडियम, वो है इंटरनेशनल स्टेडियम धर्मशाला, वहाँ पर फोटो शूट करवा रहे हैं, वहाँ पे होते हैं सारे मैच। यहाँ पे बिलिंग में, और बिलिंग में ये जो रास्ता जाता है ऊपर की तरफ जाता है, बट अभी मौसम हो चुका है खराब और 6 बज चुके हैं। बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है, मौसम खराब होने की वजह से हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ स्टे करने का कुछ है नहीं, बिलिंग के अंदर नीचे जा रहे हैं तो हमने गाड़ी मूव कर दी। टाइगर तो नहीं आते हैं? नहीं लग रहा है, चलो बड़ी पहाड़ी नहीं आएंगे टाइगर, आएंगे तो कोई बात नहीं शिकार हो जाएंगे। मेरा भाई गौरव, मेरा भाई, हम चारों लोग यहाँ पर कैंपिंग करने आए हैं और आज मौसम जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और बारिश भी हो रही है बहुत तेज़। और अभी हमारे कैंपिंग, हेलो तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी लोग, काफ़ी अच्छा मौसम है। सर मैं हूँ अभी फ़िलहाल बीर में और हाँ रात हमने यहाँ पे कैंपिंग की थी और बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पे चारों तरफ मैं देख रहा हूँ तो पहाड़ी पहाड़ और ये सब चीज़ ग्रीनरी देख करके आपका सबका मन खुश हो जाता होगा, मेरा भी मन खुश होता है। और जब आपको सुबह सुबह चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ और ऐसे झरने की आवाज़ आती है तो और भी मन प्रसन्न हो जाता है। बादल आपके पास से गुजर जाते हों तो आपको और भी बहुत बढ़िया लगता हो। और नीचे वाटर फॉल है, flight so what if you what if you what if you been sitting there and thinking all this time oh 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 what's your mind been telling you telling you telling you to make you believe that the right guy तो फिलहाल हम ऊपर जा रहे हैं वाटरफॉल के लिए, हियर बिलीव। और ये देखो दो से ढाई किलोमीटर की ट्रैकिंग है और फिर ट्रैकिंग के बाद में आएगा वाटरफॉल, वाटरफॉल में करेंगे फिर हम इंजॉय। अभी नीचे जा रहे थे हम और कुछ एरो के निशान बन रहे थे नीचे जाने के लिए झरने के लिए, बट एरो के निशान इतने ख़तरनाक थे कि हम आधे रास्ते तो नीचे गए फिर आधे रास्ते से ही वापस उल्टे आ गए, हालत ख़राब हो गई थी। सही है, रिस्क लेना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि तुम्हें रिस्क को समझ ही नहीं पाओ, पैर फिसलने की देरी। और फिर नहीं, अभी नीचे गए हम वापस आ गए। क्या हुआ? ये खतरनाक है ना, पकड़ने का ही तो पकड़ लेना। चप्पल ना ना मतदान मत। ये हमारा फ्रेंड है राकेश नाथ और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाई है वो है गौरव, जिसने एक एक करके सभी को ऊपर से उतारने में पूरी हेल्प की है। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा टफ है, पानी गिर रहा है ऊपर से और पकड़ने का कुछ ऐसा खास है नहीं।
बार हम पहुंच चुके हैं। टफ था मगर इतना भी नहीं था। Just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby.